नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कूलर किट मोटर का रिव्यू देने वाला हूं। तो इन फ्यूचर अगर आपको कभी अपने कूलर के लिए कोई कूलर किट मोटर खरीदनी पड़े तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ये हमारी पुरानी कूलर की मोटर जो कि लगभग 12 साल वर्क करी है और आज जाके ये जल गई थी। इसके ऊपर ये पानी की बौछारें वगैरह पड़ती थी जिसकी वजह से जल गई और काफ़ी दिनों से हमारा कूलर बंद पड़ा है, तो देखो पानी की क्या हालत हुई है। तो इसको भी हम अच्छे से साफ़ कर देंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि इस कूलर का वायरिंग कैसे करते हैं, तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख लेना। तो चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। ये है एम्बेसी की कूलर किट मोटर। इसे मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ की है, 1100 रुपीज़ की मुझे मिली है और 1 साल की इसमें वारंटी है। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कभी भी आपको कूलर की मोटर खरीदनी है तो आप अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ही परचेज़ करना। इसकी मैं स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूँ। तो ये 230 वाट की है, 90 वाट ये कंज्यूम करेगी, 2 एम्पियर का ये लोड लेगी, 1300 RPM की है और 4 MFD का इसमें कैपेसिटर यूज होता है। ये है कूलर किट मोटर। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा था, ISI मार्क भी इसमें बना हुआ है और ये प्योर कॉपर में है, ये एल्यूमिनियम में नहीं है, ये प्योर कॉपर में है। कॉपर की जो मोटर होती है उसकी पहचान कैसे है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। और इसके अगर आप पीछे के देखोगे तो ये जो इसके नट बोल्ट दिए हुए हैं इसके ऊपर ये रबड़ का कवरिंग दिया हुआ है। ये इसलिए दिया है क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ पे अगर जंग लग जाता है ना, जो लग ही जाता है, उससे ये नट बोल्ट खुलते नहीं है, फिर काट के निकालना पड़ता है। तो इसको सेफ्टी के लिए यहाँ पे रबड़ की पैकिंग दी गई है। इसमें ये रिंग भी आती है, रिंग लग के आई है और रिंग का क्वालिटी बहुत अच्छा हैवी रिंग है। और यहाँ पे आप इसकी प्लेट से इसकी सारी स्पेसिफिकेशन वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। जैसे मैंने बताया इस पर 1 साल का वारंटी है। और ये जो मोटर है ना, ये 3 स्पीड मोटर है, ये सिंगल स्पीड नहीं है, ये 3 स्पीड मोटर है। स्लो, मीडियम और फास्ट इसमें हम मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। और 100% कॉपर है। देखो कॉपर की पहचान कैसे करते हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता देता हूँ। और जब भी आप मोटर परचेज करना ना, तो ध्यान रखना कॉपर का ही मोटर खरीदना, एल्यूमिनियम का मत लेना या लोकल मोटर मत खरीद लेना, वो नहीं चलती हैं यार, कूलर की मोटर नहीं चलती हैं एल्यूमिनियम में, हमेशा कॉपर के ही परचेज करना। और कॉपर कैसे पहचानोगे, तो इसके बाहर जो वायर निकले होते हैं ना वो भी कॉपर के ही होते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर का जॉइंट नहीं होता। कॉपर की अगर वाइंडिंग है तो उसमें कॉपर का ही वायर लगा होगा। इसकी नीली तार जो होती है वो कॉमन होती है, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो। इस किट की जो वायर है ना वो क्वालिटी अच्छी है, कॉपर की है, प्योर कॉपर है और जो थिकनेस है वायर की वो थोड़ा ज़्यादा है। इससे जो मोटर है वो वायर को जल्दी गर्म नहीं कर पाएगी और जो वायर है वो लंबे समय तक चलेगी। इसकी वायरिंग का वीडियो मैं नहीं डाल रहा हूँ और, तो आप उन्हें देख सकते हो। तो ये क्लिप जो है ये 15 दिन बाद की है। इन 15 दिनों में इस मोटर ने किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं दी है। रेगुलर ये जो कूलर है ये 15 से 16 घंटे चलता है। और इसकी जो रिंग है मैंने चेंज नहीं किया, आप रिंग देखोगे तो इसकी जंग लगी हुई रिंग ही आपको मिलेगी। तो ये पुराने कूलर की जो पहले लगी थी वही है, वो खुल नहीं रही थी तो उसी में मैंने इसे फिट कर दिया है। अगर कूलर की मोटर सबसे ज़्यादा ख़राब होती है पानी की वजह से, जो छींटे होते हैं वो अगर इस मोटर पे पड़ेंगे ना तो आपकी भी कूलर की मोटर की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो चलो इसको मैं ऑन करके इसका आपको साउंड सुनाता हूँ और आप इसके RPM देखना। वीडियो को लाइक जरूर करना, कोई डाउट है कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।